दुनिया में ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जिनको तो यही नहीं मालूम कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, माता के गर्भ से हम जन्मे क्यों हैं, हमारे जन्म का कारण क्या है, हम क्यों भूमंडल पर आए, हम क्यों पृथ्वी पर आए, हमारा जन्म क्यों हुआ। केवल खाया पिया और सो गए, सुबह से उठे चाय बना दी धर्म पत्नी ने, बच्चों ने, माँ ने, सबने चाय पी ली, पीने के बाद में सब अपने अपने काम से चले गए, नहाए धोए स्नान करा, नाश्ता तैयार हो गया, नाश्ते से निपटे भोजन तैयार हो गया, भोजन से निपटे सोने की तैयारी हो गई, दो घंटा जो सोने का टाइम था वो बीच में शिव महापुराण फंस गई, प्रवेश शिवपुराण का हो गया, दिन में सो गए, शाम को उठे फिर भोजन, कहीं फलियार, कहीं कुछ फलाहार, कुछ फ्रीज में देख लिया, पड़ा हुआ होगा तो खा लिया, फिर निपटे, शाम हो गई, फिर शाम को कुछ भोजन की तैयारी हो गई, फिर पा लिया, सोते सोते दूध पी लिया, केवल खाया पिया और सोए। ये तो एक पशु भी करता है, ये तो एक पशु भी कर रहा है, पर मानव देह को पाने के बाद में मनुष्य का शरीर अगर मिला है और उस मनुष्य शरीर को अगर पाया गया है तो उस शरीर को पाने के बाद जो भगवत भजन हो जाए, उस शरीर को पाने के बाद भगवत नाम का स्मरण हो जाए, उस शरीर को पाने के बाद हम भगवत चर्चा में डूब जाएं, तो समझ लो कि हमारा जीवन सार्थक हो गया, हमारा मानव देह सार्थक हो गया, हमारा मनुष्य तत्व सार्थक हो गया। अगर हम इसमें डूबे ही नहीं तो वो मानवता का कोई भाव नहीं, वो मानवता का कोई सुख नहीं है, वो मानवता का कोई आनंद नहीं है। फिर वही बात कहा, हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए। इस संसार में आकर, संसार सागर में पहुंचकर, इस भव सागर में पहुंचकर, संसार में पहुंचकर हम अगर इस मानव के शरीर को सार्थक ना कर पाए तो फिर ये जीवन व्यर्थ है। बहुत कठिन कि मानव दे अनमोल रे, अरे माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। कितना मांग कर, कितना विचार कर, कितना निवेदन कर कर, नमन कर कर, प्रणाम कर कर, साष्टांग कर कर, दंडवत कर कर, भगवान से निवेदन कर कर, ये मनुष्य की एक शरीर लेकर हम जन्मे हैं। मानव का शरीर माता के गर्भ में जब उल्टे लटके हुए थे दोनों मुष्टिकाएं बंद थी, और माता के गर्भ में लटके हुए दोनों मुष्टिकाएं बंद कर कर भगवान से प्रतिज्ञा करी थी, मुझे माता के गर्भ से बाहर निकाल दो, मैं भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा। अब जब माता के गर्भ से बाहर निकल गए तो मैं तो भोजन करूंगा, भजन गायब हो गया, भोजन चालू हो गया। तीन बार भोजन, भजन एक बार, और उसमें भी उलझन आती है बार बार। जिम में बैठोगे कोई नहीं आएगा, पर थोड़ी देर माला लेकर बैठ गए, थोड़ी देर भजन करने बैठ गए, थोड़ी देर कीर्तन करने बैठ गए, थोड़ी देर मंत्र जाप करने बैठ गए, थोड़ी देर स्मरण करने बैठ गए, कहीं ना कहीं का आ ही जाएगा, यह पक्का है। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।